डर गया गाइस। ओए नहीं ना किसो गाइस, ओए छिन ना ऐसा मत कर यार, सही नोच ना। नहीं हो रहा है, नीचे तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्या हो गया? हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वागत करता हूँ दोस्तों फिर से और एक नई वीडियो पे। तो गाइस देख सकते हैं आज जो है बढ़िया धूप दे रही है, लेकिन रात को जब बहुत बरसात हुआ था तो सुबह होती है जो है छोटे छोटे बूंदे गिरे थे, बारिश के बूंदे, एंड अभी पूरा बिल्कुल ठीक है। अरे एक कीड़ा जो है मेरे मुँह पर लगना था। तो गाइस जैसे कि कल मैंने बोला था और ब्लॉग में दिखाया था, नदी बहुत बड़ा है तो उसी के कारण जो है मैं नदी के उस पार पे जा नहीं पाए थे। पर आज जो है पापा लोग जितने भी मतलब कि उस पार पे खेत करने वाले हैं ना, सभी लोग जो है मिल के एक बोट लाए थे, पापा इससे बोल रहे हैं मुझे। तो जाके देखते हैं गाइस, नदी के इस पार में अगर बोट रहेगा तो मैं जो है उस पार पे चला जाऊँगा और वीडियो शूट करूँगा। तो गाइस काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो आप लोग जो है वीडियो में एंड तक बने रहेगा तो अच्छा लगेगा गाइस, प्लीज़ आप लोग जो है एंड तक बने रहेगा। सो गाइस फाइनली मैं जो है नदी में पहुंच चुका हूं और ये देख सकते हैं नदी का नज़ारा कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है गाइस। तो पापा जो बोला है दोस्तों बोट को यहां पे होना चाहिए था, लेकिन बोट जो है मुझे देख नहीं रहा है कहीं भी। लगता है मुझे पापा को कॉल करके पूछना होगा, अगर बोट यहां होता तो मुझे दिख जाना था। ओह गाइस वो है वो उधर में, इस तरह का ग्रास है ना उसमें पूरा दाखे हुए, वो उधर में उस साइड में कोई ले गया है उस पार पे। तो आज मुझे जो है जाने को नहीं मिलेगा गाइस, तो कैसे जाऊंगा गाइस आप लोग देख सकते हैं उस पार पे है नाव। तो जो भी ले गया दोस्तों खेत में वो लोग जो है शाम तक आ जाएंगे, तो शाम तक रुकने से मुझे जो है बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो आई थिंक गाइस मुझे जो है रुकने में कुछ पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग रात तक आ जाएंगे, खेत में काम करने वाले होते हैं ना तो बहुत देर तक वो लोग काम करते हैं, तो शाम तक आ जाएंगे। तो उससे पहले मैं जो है कुछ करता हूँ, फिर भी रुक के दिखता हूँ गाइस, एक दो घंटा तक मैं रुकते दिखता हूँ, अगर कोई आ जाएगा तो मैं जो है जाने को मिलेगा, अच्छा लगेगा गाइस। तो गाइस इंतज़ार करते करते जो है एक आदमी आ गया, वो भी यहाँ पार होने के लिए, इस पार आने के लिए, पर वो जो है एक लड़का के साथ उसका बच्चा होगा शायद, तो वो भी नहीं आ पा रहे क्योंकि उसको जो है नाव चलाना नहीं आता। मैं इससे पूछ रहा हूँ तो नाव लाओ बोल के, तो वो जो है हमको चलाना नहीं आता बोला, तो उसको भी रुकना होगा वहाँ पर। ये देखिए गाइस उसको भी चलाना नहीं आता है, मुझे भी एक्चुअली नहीं आता है, मैं जो है ये ट्राई करूँगा, लेकिन इस बार अगर नाव इधर आ जाएगा तो उन लोग जो है वापस जा रहे हैं। ये देखो ना गाइस रुकते रुकते उन लोग भी तरह लग गए होंगे, तो उन लोग भी शाम तक आ जाएंगे शायद उन लोगों के साथ। तो गाइस मैं जो है और कितना देर तक रुक जाऊँ गाइस, रुकते रुकते थोड़ा परेशान हो गया हूँ मैं भी। वो जो है एक आदमी आ गया, उसको भी चलाना नहीं आता है बोला, तो क्या करे गाइस क्या करे, वो तो वापस जा रहे हैं। तो कैर सर गाइस बेहतर लक नेक्स्ट टाइम गाइस, जितना बार भी मैं आ गया हूँ मुझे जो है कुछ सफलता नहीं मिल रहा है यहाँ पे, घर वापस जा रहा हूँ नहीं होगा, और मुझे जो है दूसरा काम भी करना है। कल सुबह होते मुझे यहाँ पे बैठ के रहूँगा गाइस, तो आप लोग देखते रहे ना कल। मुझे जाना ही जाना है, माना उसको देखना है मुझे, वो कोद्दू भी तरना है। ये लोग भी बहुत काम करते हैं ना वहाँ पे, बहुत मेहनत करते हैं, तो सभी लोग ये नदी के वजह से जो है गांव के लोग बहुत परेशान होंगे गाइस, क्योंकि हम लोग का जो खेत है ना इस पार पे है, तो प्रॉब्लम होती रहता है गाइस ये नदी के वजह से। सो गाइस मुझे जो है यहाँ पे आधे रास्ते में एक फिक फ्रूट फिर मिल गया, और इसमें जो है फ्रूट भी लगा है, तो उसको मैं तोड़ लेता हूँ। ये देखो ना गाइस, तो इसको जब चटनी खाने में बहुत मज़ा आता है, मैं चटनी नहीं खाऊँगा, बस इसे खाने का मन कर रहे हैं, तो फिलहाल कुछ तोड़ लेता हूँ। सो गाइस मैंने जो है ये पांच छह तो तोड़ लिया, पांच तो तोड़ लिया मैंने, और इसको जो है खाते हुए जाऊँगा मैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ताज़ा ताज़ा है, ये गिरने वाला हो गया, इसमें जो है केमिकल निकाल रही है। ये देखो गाइस क्लियर है, अंदर में जो है कुछ भी कीड़े मकोड़े नहीं है, बिल्कुल खा सकता है। खाने का साउंड जो होता है ना, इसका आवाज सबाने का साउंड मजा है। मैंने किसी का आवाज सुना है, कोई आ रहा है क्या? एक बार जाकर देखता हूँ, अगर उनको साथ जाने मिलेगा तो जाऊंगा। मुझे जो है दो
बच्चे मिल गए तो इन लोग को जो है तैरना आते हैं, तो नदी जो है इन लोग पार होकर नाव लाएंगे बोल रहे हैं, तो मुझे उस पार पे लेके जाएंगे इन लोग नाव ला के, तो इन लोग बढ़िया से जो है तैरते हैं नदी में, इन लोग आदत है, तो इससे बड़ा नदी में इन लोग जो है पार होती है। तो मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, तो वो लोग जो खेत में जाते हैं आना करते हैं, बहुत आइडिया है गाइस। तो ये लोग उन लोग जब पार हो रहे हैं नदी को, वाओ कितना बढ़िया से ये लोग पार हो रही है, पार भी हो चुका है एक लड़का, ये देखो ना उधर में पहुंच गया वो। पार हो गया फाइनली, चलो लेके आओ। देखो गाइस नाव आ गया, बोट आ गया, हम खुश हुए गाइस, हम खुश हुए, बहुत ही खुशी हुआ, और क्या बताओ गाइस। तो अभी बिल्कुल सामने आ गया बोट, तो अभी जो सरने को मिलेगा, चलो चला ड्राइवर हमको यहाँ पे चरने दे रहा है, चलो। हाँ नाव में तो पूरा पानी भरती हो गया, ये देख सकते हैं, तो पानी को जो है फेंकने के लिए यहाँ पे एक ताली भी रखा है, तो फिलहाल मैं जो इसको फेंक देता हूँ, थोड़ा वजन भी कम हो जाएगा। तो वेट कम हो जाएगा गाइस इस पानी को फेंकने से। अयो मजा आ रहा है मजा आ रहा है ना। चलो पकड़ो भाई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये देखो गाइस नदी जो है बहुत बड़ा है ना, ये नदी को दोस्तों इन लोग जो है पूरा आसानी से पार हो सकते हैं, तो पूरा एक्सपर्ट है इन लोग माने तैरने में, तो इन लोगों को जो है नेवी पोस्ट में जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए पूरा खिसके लेके जा रहा है, बता दूं गाइस ये जो है मेरा कजिन ब्रदर है, आज मैं बोल दिया गाइस ये मेरा कजिन ब्रदर है, तो इन लोग जो अभी मुझे ओह माय गॉड मैं डर गया गाइस, ओए ऐसा मत करो यार, सच नोच ना, ये लोग तो हमको ये देखो ना ये जामिंग जामिंग किया है, क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये लोग मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गया दोस्तों उस पार पे, ये देख सकते हैं यहाँ से, तो बाद में जो है मैं भी सलाह के देखूंगा ये नाव को, और मुझे जो है अभी खड़ा होने में भी डर लग रहा है, अभी जा पड़ेगा डरा दिया ये तो। ओह माय गॉड, उधर से देखो एक अंकल आ रहे हैं वहां पे, अभी जो है सभी लोग आना जाना करेंगे दोस्तों, ये नदी के वजह से जो है सभी लोग परेशान थे, अभी जो है परेशानी दूर हो गया जितना भी परेशानी था। तो गाइस फिलहाल अयो कुछ बोलने वाला था मैं, वो भी फंस गया गाइस, मैं हूं ड्राइवर, सुकून मिला इस दिल को, चैनल को सब्सक्राइब करना, हाँ थैंक यू भाई लोग। और जाते समय भी इन लोग कुछ देर रुकेंगे गाइस, कुछ देर तक आप जा सकते हैं आप, हाँ तो इन लोग जब बात में मुझे और फिर लेके आएंगे, लेके नहीं आएंगे मतलब कि वहाँ पर उस पार में करा देंगे। चलिए बाय बाय गाइस, बाय बाय, थैंक यू। हाँ तो गाइस इन्होंने मुझे जब पार करा दिया, अभी मैं चलता हूँ अपने खेत की ओर, तो कुद्दू अगर होगा तो काल जो है मैं तोड़ने आ जाऊँगा, बिक्री करना है, पैसे चाहिए होता है हमें, तो अगर ज़्यादा मिलेगा तो ये नदी नाव से जो है लेके जाएंगे भर्ती करके। तो फिलहाल देख के आते हैं आज
तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आने को बहुत ही तरस रहा था गाइस, खेत को देखना है। और अगर इन लोग नहीं होता तो मुझे जो है बहुत मुश्किल होना था गाइस, आज जो है मुझे आने को नहीं मिलना था। तो बहुत अच्छा लगा गाइस, लेकिन डर गया क्योंकि वहाँ पे जो है बिल्कुल हवाई जहाज़ की तरह एकदम यहाँ वो ये करता है ना, चेकिंग करता है, जैसे कि हवाई जहाज हवाई में वो करता है ना बिल्कुल इसी तरह। लेकिन बहुत डर गया मैं क्योंकि फ़ोन हाथ में है ना, तो फ़ोन अगर कुछ हाथ से छूट जाता तो अच्छा नहीं होना था मेरे साथ। खैर सर गाइस, अपन अभी चलते हैं, मैं बच्चा को बुलाने से ठीक होगा क्या, क्योंकि अकेला भी जंगल में जाने से ठीक नहीं है। ओए ओ सुनो जेना नला निबरे हो जरा हां क्या बंगो ना वसाले गाइस, ये बच्चे लोग जो है नहीं आएंगे बोला है, तो मैंने बोला उन लोगों को हमको रुको बोला है, तो लोग जो है यहाँ पे खेलते रहेंगे नदी में, तो फिलहाल मैं जाके आता हूँ। ये देखिए गाइस, तो मुझे जो है ये पार होना पड़ेगा, लेकिन ये छोटा छोटा है और थोड़ा दलदल भी है गाइस। मुझे जो है रास्ता मिल गया, ये पानी देखिए गाइस बिल्कुल दूध की तरह हो गया, इतना गंदा पानी है। ये रहा दोस्तों केट जाने वाला रास्ता, फाइनली बहुत मेहनत के बाद हम पहुंच गया। और मिल गया, तो गाइस हम पहुंच गए हैं कुद्दू की खेत में, ये देख सकते हैं। अभी मुझे देखना होगा गाइस कुद्दू लगा है कि नहीं, ये जो साग है ना बिल्कुल बढ़िया से जो है ग्रो हो गया। ओ दिख गया गाइस यहाँ पे कुद्दू, वाओ ये देखना कच्चा है अभी, लेकिन ये जो है सबसे मस्त है ये साइज का। ओ कोई आया होगा गाइस, हमसे पहले कोई आया है, ये देखिए ना पूरा कदम रखा है, जहाँ गया है ना उधर में पूरा ये हो गया, कोई तो आया होगा। पापा तो नहीं आया है लेकिन कोई तो आया होगा खेत में, ये देखिए ना गाइस। आदमी आने का जो है ना इधर से आया है, इधर से आया है, उधर में दिख रहा है दोस्तों कुद्दू, हाँ उधर में और उधर में दिख रहा है मुझे, और इस साइड का दिखता हूँ, और ये में एक है इसे पका हुआ है, ये देखिए गाइस तो पके हुए हैं, तो उसमें इसमें भी है देख सकते हैं। तो गाइस कुद्दू तो मिल गया, आई थिंक यहाँ से जो है काल नहीं तो परसों में आ जाऊँगा ये सब तोड़ने के लिए, ये सब हमारे ही है, तो काफ़ी बड़ा है उधर तक तो है गाइस, ये देखिए। तो इसमें से गाइस सब मिलने से बहुत बढ़िया होगा, और अभी जो है दाम भी है ना, अभी कुद्दू का दाम बढ़ चुका है, तो इसमें भला ही है कि दोस्तों जल्दी से जल्दी से सप्लाई करना है। और यहीं पे देखिए इधर में भी है कुद्दू, तो गाइस अच्छा लगा। और यहाँ पे भी है, अरे गाइस देखिए ना जहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ मैं पैर रख रहा हूँ यहीं पे मुझे मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है गाइस। तो बहुत ही हमारे खेत पे जो है कुद्दू लग गया, एंड अभी जाके बोलूँगा पापा को हमारे खेत में जो है बहुत सारे कुद्दू लगे हुए, तो तोड़ने के लिए बोलेगा पापा को और मज़ा आएगा। तो गाइस मैंने तो पूरा देखा नहीं, तो पूरा जो देखने का ज़रूरत है नहीं, ऐसे पता चलता है अंदाज, एक अंदाज़ होता है ना अपना, आई थिंक मिलेगा बहुत सारे, तो कल नहीं तो परसों आ जाएंगे पापा और मैं ये सब तोड़ने के लिए, और नाव से जो है हम लोग लेके जाएंगे। एंड गाइस बहुत मज़ा लगा इस बार, इसमें ज़्यादा पानी हो गया नाव में, यही काम मिला है गाइस यहाँ। भाई चलो हमको पार करा दो वहाँ पे, अभी ये लोग आ गया तो मुझे उस पार में अभी जाना है, घर जाना है मुझे, तो जो हो गया सो गया, मैंने खेत को देख लिया बढ़िया से, अभी जो है मुझे उस पार में जाना है, लेकिन नहा के जाऊँगा गाइस। आज पानी थोड़ा कम हो गया काल से ज़्यादा, आज बहुत कम हो चुका है, इसलिए तो इन लोग पूरा बढ़िया से जो तैर के पार हो सकता है, तो मुझे तो इतना तो पानी में कितना शौक नहीं है गाइस, हम तैरता है। चलिए थोड़ा आहिस्ता करके लेके जाओ भाई लोग, हाँ हमको डर लगता है, पीछे में एक कैमरामैन बना दिया, और गाइस गाली मत करा इन लोगों को जो है, मैं ये थोड़ा मेहनत करने दे रहा हूँ और मैं आराम से बैठ गया हूँ, ये मत पूछना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ गाइस, मुझे डर लगता है, तो इन लोग का थोड़ा
तो ये करना पड़ रहा है गाइस आज के लिए, माफ कर देना गाइस। तो इन लोगों को भी जो है मैं ऐसे हेलो गाइस करने दे रहा हूँ। अभी उस पार जाएंगे गाइस, मैं थोड़ा सलाह के देखता हूँ। तो गाइस अभी जो है हम लोग पार होने वाले हैं नदी को, एंड हमारे साथ जो है और एक आदमी आ रहे हैं वहाँ पे। अरे ये तो हमारे अंकल है, मैं तो दूर से उसको पहचाने नहीं गाइस, ये तो सामने आकर ही हमारे अंकल है ये। आ जाओ अंकल आ जाओ, ये कुड्डू का साग भी लेके आ रहा है, एक बड़ा दाऊ भी ले लिया हाथ में। अंकल कैसे पार हुआ? अच्छा नाव से, ओके आ जाइए। जल्दी उठती है, जाने वाली है, ड्राइवर कह रहा है जल्दी आइए। तो अच्छा से पहुंचा दीजिए ना हमको, चिंता मत करो ना। हाँ चलिए, ये देखिए गाइस प्योर ऑर्गेनिक साग लाया है अंकल ने। चलिए कुंडा पड़ेगा गाइस। पहुंच गया। तो गाइस अभी फंस जाता कहाँ? नहीं हो रहा है गाइस, नहीं हो रहा है, नीचे तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्या हो गया? सामने ही आता है गाइस, हमको जंप करना होगा गाइस, हमको डर लग रहा है। आगे वाला रहा मैं लूंगा कि या या वाह मत मारो ओ गाइस शो उधर में भी आ रहे हैं नाव से। ओ मत मारो तुम नहीं, मत मारो, मजा आ गया, मजा आ गया गाइस, क्या बोलूं मैं। हां उधर में ज्यादा गहरा है नदी, तो गाइस मजा ही आ गया और ना आएगा गाइस। ओ कहां जा रहे आप लोग? बिक्री करेगा तो खेज अच्छा तो गाइस इन लोग जो है मछली पकड़ने गए थे, मिला है लेकिन लोग झूठ बोल रहे हैं, आपको मालूम है। ओ गाइस बहुत ही थक गया हूँ मैं। चलो फोन दो भाई। तो गाइस अभी जो है घर पहुंचने वाला हो गया, कपड़े पूरा भीगा भीगा हो गया। तो आप लोग देखा है नाव जब बहुत छोटा है इसलिए जो है पूरा हिलता डुलता है, चार पांच जन आदमी सरने से। तो एक्चुअली पोन के लिए मैं बहुत डर गया था गाइस, क्योंकि पानी भी गंदा है ना, अगर पोन गिर जाता तो मिलना मुश्किल था, तो इसलिए थोड़ा डर गया था मैं। तो चलो चलो अभी आसानी से तो पार हो चुके हैं। तो गाइस वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि मैंने ये वीडियो थोड़ा और भी ज़्यादा रिस्की होकर बनाया, क्योंकि अगर पोन गिर जाता तो मेरे लिए बहुत बुरी बात होना था गाइस, पानी भी गंदा था, तो पोन अगर गिर जाता तो मिलता ही नहीं ये पोन।
और ब्लॉग जो हमेशा के लिए बंद हो जाना था मेरा इस बार। तो फिर भी जो है मैंने जारी रखा और रिक्स लेके, तो इसलिए जो है आप लोग का रिएक्शन आना चाहिए गाइस, कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। एंड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना। तो इस वीडियो को यहाँ में समाप्त करना चाहता हूँ। तो मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सदा खुशी रहो।